1 C. A differential equation dy/dx is equal to f of x plus c. In initial condition yx naught is equal to y naught. Or x is equal to x1 for where yx1 front of the line. This form y1 rule. जहाँ वैल्यू अग्री है और जो सी है उनके अंदर कोऑर्डिनेट x नॉट पर वैल्यू दी है और x1 पर भी वैल्यू है इन दोनों के अंदर पर दे है ना रूंगे कुट्टा मेथड में हम चार पोजीशन फाइंड आउट करते हैं। पहला पोजीशन e0 f of x0 y0 E1 f of x0 plus h by y0 plus p0 h by E2 f of x0 plus h by 2 y0 plus p1 h by and fourth one last f of x0 plus h y0 plus p2h. ये चार पोजीशन फाइंड आउट करने के बाद इंक्रीमेंट डेल्टा y इज h by 6 first value that is p0 plus last value that is p3 plus two times of जो भी बीच की दो वैल्यू बनी है p1 और p2 p0 plus p3 plus two times of जो दर y1 is equal to हो जाएगा y0 plus incrementing y यही है आंसर। इसमें हम एरर का कुछ नहीं कर सकते, मिल जाएगा तो इसी तरह हम क्वेश्चन को भी लेकर जा सकते हैं, बस जो आंसर आ रहा है वही आंसर होगा, इसमें कोई कोई संशोधन पॉसिबल नहीं है। तो संशोधित करके रिजल्ट को अपनी एक्यूरेसी तक लाने के केवल दो मेथड थे, एक ऑर्डर मॉडिफाइड और एक मिलनी, बाकी में हम मॉडिफाई करके अपना रिजल्ट डिजायर्ड एक्यूरेसी तक नहीं लेकर जा पा रहे। जो भी रिजल्ट आ रहा है वही रिजल्ट है। फॉर एग्जाम्पल dy by dx is equal to x plus y. Supposing we have x y is 0 is equal to 1 हमें दिया है और y 0.2, y 0.4 ये दो वैल्यू हमें मिला। तो h हो गया जहाँ वैल्यू निकालनी है that is 0.2 और जहाँ नहीं है तो उन दोनों का अंतर। और पहला इसका है x 0 is equal to 0 दिया है, y 0 is equal to 1 दिया है, that is पहली वैल्यू आएगी x 1 is equal to x naught plus h 1 means 0.2 पर y का मान, जो भी 0.2 पर y का मान आएगा उसे कौन करेंगे y का, पहली वैल्यू 0.2 पर आएगी ना, क्योंकि h को 0.2 डिफाइन किया है। और जब पॉइंट टू पर वैल्यू आ जाएगी अब इसको इनिशियल लेकर अगली वैल्यू पॉइंट फोर पर भी कराएंगे। अप्लाई करिए ई नॉट इज एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट डेफिनेशन से एफ ऑफ एक्स वाई है एक्स प्लस वाई दोनों का एडिशन ना तो ये हो जाएगा एक्स नॉट प्लस वाई नॉट E1 is f of x0 plus h by 2, y0 plus p0 h by 2, which is f of x0 0, h by 2 means 1, y0 means 1, p0 means 1, into 0.1, that is f of 0.1.
1.1 f of x y is equal to x plus y, मतलब दोनों को ऐड करना है, that is 0.1 plus 1.1 means 1.1 f of x y is equal to x plus y है ना, दोनों को ऐड करना है, e2 is f of x naught plus h by 2 y naught plus d1 h by 2 f of x naught plus h by 2 is 0.1 y naught means 1 d1 means 1.2 h by 2 means 0.1 which is f of 0.1 जब दोनों को ऐड करेंगे 1.2 अगर यही f of x y is equal to x into y होगा तो दोनों को गुणा करते हैं जैसा भी फंक्शन है e3 is equal to f of x naught plus h y naught plus p2h लास्ट वाली वैल्यू h by 2 पर नहीं है h पर है बीच की दो वैल्यू h by 2 पर x naught 0 h means 0.2 y naught 1 p2 and 1.2 into 0.2 f of 0.2 1.244 है ना means 1.44 delta y is equal to h by 6 p is 0 plus p 3 plus 2 times of p1 plus p h by 6 means 0.2 by 6 p is 0 by 1 1.24 plus 2 times 1.2 plus 1.2 0.242 y 1 जो y का मान 0.2 पर है is y 0 plus incremental y 2 y 0 है 1 incremental 2.42 so the result will be 1.24 ये point number wise y है question 2 part पर था point 2 पर या point 4 पर अब जहां value निकाली आपने यहां से शुरू कर लिए x naught है 0.2 और y की वैल्यू है 1.2428 x1 y1 तो x2 पर दैट इज x1 प्लस h पर मींस 0.4 पर y की वैल्यू होगी जिसको पॉइंट y2 कहते हैं x1 इज इक्वल टू 0.3 पर y का मान हम निकाल चुके हैं 1.2428 x2 इज इक्वल टू x1 प्लस h दैट इज 0.4 पर y की वैल्यू निकालेंगे तो y2 कह रहा है फिर दोबारा वही सारे पूछते हैं पी नॉट अब पी नॉट क्या होगा एफ ऑफ एक्स वाई जहाँ पर वैल्यू ना ई वन इज एफ ऑफ एक्स वन प्लस एच बाई टू वाई वन प्लस पी नॉट एच बाई टू पी टू इज एफ ऑफ एक्स वन प्लस एच बाई टू वाई वन प्लस पी वन एच बाई टू पी थ्री is f of x1 plus h y1 plus p2h अब increment ही कराएगा delta y is equal to h by 6 p0 plus p3 निकालते रहिए आप अपने आप plus 2 times p1 plus p2 evaluate करने के बाद y2 means y का मान 0.4 पर will be equal to y1 plus increment